छत्तीसगढ़ में भाजपा नेता रूबी आसिफ खान के खिलाफ फतवा जारी हुआ है। मौलाना ने दूसरे धर्म की इबादत करने वाले काफिर बताए। इसके खिलाफ रूबी ने आवाज़ उठाई है। उन्होंने कहा है कि जो मौलाना और मौलवी फतवा जारी कर रहे हैं वे जिहादी और उग्रवादी हैं। ऐसे ही फतवे का दर्द झेल चुकी चार महिलाओं से इंडियन क्राइम न्यूज ने बात की। इनमें अलीगढ़ की भाजपा नेता रूबी आसिफ खान, मुजफ्फरनगर से इंडियन आइडल फेम सिंगर फरमानी, वाराणसी की नाजरीन और बरेली की निदा खान हैं। मुस्लिम महिलाओं ने कहा कि मर्द शराब पिए और बीवी को पीटे तो उनके फतवा खिलाफ जारी नहीं किया जाता। ये फतवा जिहाद और आतंकवादी की शुरुआत है। फतवे के दर्द से गुजर चुकी वाराणसी की नाजरीन कहती हैं, ये एक फतवा गैंग है जो सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के लिए है। क्या कभी सुना है कि किसी मुस्लिम पुरुष के खिलाफ फतवा जारी हुआ है? मुस्लिम मर्द शराब पिए, कत्ल करें और अपराध कर दें तो उनके खिलाफ कोई फतवा नहीं जारी होता। मर्द कुछ भी गलत करें उसके खिलाफ कोई फतवा नहीं जारी होता, लेकिन मुस्लिम औरतें जरा सा कुछ करें तो फौरन फतवे जारी हो जाते हैं। ये इस्लाम के नाम पर फतवा गैंग चलाने वाले गुंडे हैं। 2006 में हम संकट मोचन मंदिर गए और हनुमान चालीसा का पाठ किया तो हमसे कहा गया कि आपको इस्लाम से खारिज किया जाता है। ये लोग होते कौन हैं हमें इस्लाम सिखाने वाले? जी हाँ, आपको बता दें, बरेली की निदा खान ने तीन तलाक के खिलाफ आवाज़ उठाई तो उन्हें फतवे का फरमान सुना दिया गया। निदा कहती हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट फतवे की वैलिडिटी खत्म कर चुकी है तो ये फतवे आखिर क्यों? फतवों की प्रक्रिया नियम अलग होते हैं। आपको बता दें, किसी औरत मर्द ने गलत किया है तो ये मौलाना उसे बैठा कर समझाए, ना कि ऐसे फतवा जारी कर उसकी तमाशा बनाए। वो कभी इन लोगों को याद नहीं आता कि फतवों के नाम पर इस्लाम को ढाल बनाकर महिलाओं का शोषण होता है। यहीं से जिहाद और आतंकवाद शुरू होता है। जिस औरत पर फतवा लगा उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी क्या मौलाना लेंगे? इन मौलानाओं पर ठीक से एक्शन नहीं होगा तब तक ये नहीं मानेंगे। आपको बता दें कि पहले ही लड़की के पंख इन फतवों का डर दिखाकर काट दिए जाते हैं। इन फतवों को एक तरफ रख दो और अपना काम करती रहो। ये फतवे उल्टी सीधी बातें बोलकर महिलाओं को रोका जाता है, लेकिन मुस्लिम महिलाओं को इनसे डरना नहीं चाहिए। अपना काम करती रहें और इन फतवों को साइड में रख दें। जी हाँ, आपको बता दें, अलीगढ़ की रूबी आसिफ खान कहती हैं कि मैंने गणेश पूजन किया तो मेरे खिलाफ फतवा जारी कर दिया गया। 2019 में रामचंद्र का पूजन किया तो फतवा जारी हो गया। ये फतवे सिर्फ मुस्लिम महिलाओं को तरक्की से रोकने का तरीका है। ये मौलाना नहीं चाहते कि मुस्लिम औरतें आगे बढ़ें, इसलिए उनको डराने धमकाने के लिए फतवे जारी किए जाते हैं। जी हाँ, आपको बता दें, 2017 में दारुल उलूम ने मुस्लिम महिलाओं के सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर पोस्ट करने को गैर इस्लामी करार दिया था। दारुल उलूम का कहना था कि महिला का अपना तस्वीरें फेसबुक, ट्विटर, किसी अन्य सोशल साइट्स पर डालना इस्लाम के खिलाफ है। देवबंद के एक व्यक्ति ने फतवा विभाग के मुफ्तियों से सवाल पूछा था कि सोशल साइट फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर आदि पर कुछ लोग परिवार की महिलाओं या अन्य महिलाओं की फ़ोटो अपलोड कर देते हैं, इस्लाम धर्म में क्या यह अमल जायज है? ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।